नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सठियाव विकास खंड में एक युवक फर्जी आधार कार्ड व मतदाता कार्ड के साथ ही फर्जी शपथ पत्र देकर ग्राम प्रधान पद पर निर्वाचित हो गया, लेकिन जब जांच हुई तो युवक का कारनामा उजागर हो गया। पुलिस ने ग्राम प्रधान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार सठियाव ब्लॉक के सिफ्टी शाह मोहम्मदपुर ग्राम निवासी मोहम्मद साकिब पुत्र मोहम्मद अकील के खिलाफ मुबारकपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई कि उक्त युवक ने फर्जी मतदाता कार्ड व आधार कार्ड बनवाकर ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ा और निर्वाचित हुआ। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान उसने शपथ पत्र भी प्रस्तुत किए गए, अभिलेखों में संलग्न किया गया। पुलिस द्वारा की गई विवेचना के बाद आरोप सत्य पाए गए, पर आरोपी ग्राम प्रधान मोहम्मद साकिब के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 470 और 471 व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 क के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया। शनिवार को मुबारकपुर थाना प्रभारी के निर्देश पर उप निरीक्षक शंकर कुमार यादव ने पुलिस टीम के साथ आरोपी साकिब के घर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।